स्वागत है मित्रों मित्राणियों, फिर से आ गए बहुत ही बदोबदी सी वीडियो लेके, एकदम बढ़िया सी। अभी आपने देखा होगा एक नई बीमारी आ गई है, बदोबदी बदोबदी। तो दोस्तों मैं तो बहुत दिन से सुन रहा था, मैंने पहली बार एक तो ऐसे अंकल देखे जो टकले भी और इनके बाल भी बहुत बड़े बड़े। तो आओ सुने जरा इनके गाने, सुन के अपने कानों को मंत्र मुग्ध कर देते हैं। लिटरली मी इन माय यंग एज यहाँ पे दर्द हो रहा है, आए हाय ओए होए बदोबदी। तो बदोबदी का मतलब क्या है कमेंट में बता दो, कोई किसी को पता हो तो। वो लड़की को बिचारी को पता भी नहीं, कुछ कोरियोग्राफी भी नहीं हुई कि क्या करना है क्या नहीं होना, वो जाके बस चिपक जाते हैं बदोबदी दूर हटी। कुछ भी कहो गाने में वाइब है, बस लिरिक्स गलत है, ऐसे होने चाहिए थे उम्र हो गई है बहुत बड़ी, अंकल काम करो अच्छे भली। यार अंकल के लिरिक्स फिर भी सूट हो रहा था, मेरा तो कुछ ज्यादा ही कचरा है। कदी कदी दी कल नहीं किसे ने देखी, अंकल ऐसी आवाज में गाओगे तो कल कोई देखना भी नहीं चाहता। लड़की भाई सही है, अच्छे लड़ी बदोबदी, इजी जिंदगी है इजी। होए होए हाय हाय होए 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 होए। इतना लो बजट गाना और इस हाई लेवल पे वायरल हुआ है कि भाई किस्मत चाहिए इसके लिए, तो लोग मेहनत करके इतने वायरल नहीं हो पा रहे अंकल। होए होए ऐसा लग रहा है आदमी नींद में गा रहा है बदोबदी। अरे बापरे, इसको शो करने बुलाते हैं लोग। ये ट्रिक है दोस्तों, शादी में अगर खाना आपके कम बना है, आपको अपनी इज्जत बचानी है, इसको शो करने बुला लो, लोग ही कमाएंगे, खाना बच जाएगा। This is business. वाइब तो है अंकल। नहीं पीछे वाला कैसा देख रहा भाई, इसको क्यों बुलाया, पैसे दिए क्या इसको कि ये अपन को पैसे देगा। वैसे मेरे को लगता है अंकल को बुलाने के बाद अंकल ही पैसे देते होंगे कि थैंक यू मुझे मेरी आवाज किसी ने तो सुनी। ये क्या कर रहे हैं जी वो गाने बजाने वाले ने बोला कि यार छोड़ो मैं ही बचा लूं लोगों के कानों को, खाना वाना बाद में बचाना, पहले कान बचा लो लोगों के। और दोस्तों गुस्सा जब भी इन्वेंट हुआ हो, अंकल गुस्से से पहले इन्वेंट हो गए कि ये क्या कर रहे हो जी, भाई मैं गाना गा रहा हूँ बीच में कोई ये साला कौन है। हाय हाय होए होए हाय हाय होए होए हाय हाय होए। भाई इतने बुरे दिन किसके आ गए, एक तो अंकल का मुंह भी इतना बड़ा है कि पूरे का पूरा फोरआर्म ही चला गया बेचारे का, छोटी फोटो बनवा लेता भाई थोड़ी, और इतना ही प्यार आ रहा था तो छाती पे बनवा लेता या फिर पिछवाड़ों पे लिखवा लेता, एक पे ओए एक पे होए, और जब चलता तो ओए होए ओए होए। इतने पतोपति का मतलब क्या, पतोपति पतोपति। अच्छे लड़ी बदोबदी मौका मिले कदी कदी, सच में बनवा रहा है क्या, कल नहीं किसे ने देखी मजा लेंगे अच्छा। नहीं भाई ये कुछ वो है क्या कहते हैं जोक वोक है, ये वो हो ही नहीं, इम्पॉसिबल। सोचने की बात है कि अंकल को सच में लगता है कि वो अच्छा गाते हैं, और एक तो राहत फतेह अली खान के नाम की ऐसी लंका लगाई है, उसका राहत का चाहत कर दिया, उसकी जिंदगी में राहत थी, इनकी जिंदगी में चाहत है, उसको भी राहत नहीं मिल रही बेचारे को। अभी पता है ना क्या हुआ था राहत फतेह अली खान के साथ, दोस्तों मुझे गाने का ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, पर जितना भी नॉलेज है ये गाना तो नहीं था जो अंकल ने अभी करा है ना, जो भी सुरताल छेड़े ये गलत दिशा में छेड़ दिए अंकल ने, गलत तरीके से छेड़ दिए, सुरताल को बुरा लगेगा। क्या सुर छेड़ा है अबे, इतना बुरा बंदा रोते हुए नहीं लगता जितना ये गुनगुनाते हुए लग रहा है, ऐसा लग रहा है सारी दुनिया फना हो चुकी है और लोगों को सजा के तौर पर इसके गाने सुनाए जा रहे हैं। भाई पाकिस्तान का है ना ये, मेरे को पता है पाकिस्तान से एक से एक निकल के आते हैं, मानो ना मानो। अभी एक वो आया था अपना पिछला गुटके वाला, उसको रोस्ट किया था, अभी आ गए नए बदोबदी बदोबदी। वो टीचर टीचर ऐसा लगता है कि कोई पीछे से सुई चुबा रहे, ओए होए ओए होए आए हाय ओए होए, डंडे पड़ रहे पटापट। लोटा लोटा बम बम बम, लोटा लोटा बम बम। अंकल के गानों में लिरिक्स विरिक्स नहीं होते, अंकल के गाने में दो चार वर्ड होते हैं, अंकल उनकी लंका लगाते रहते हैं, अंकल ज्यादा वर्ड्स को परेशान नहीं करते, दो लेते हैं गिनती के, बम बम लोटा लोटा। ऐसा लगता है कि किसी को डराने की कोशिश की जा रही है, बच्चा डराया जा रहा है, बच्चे को सुलाने के लिए डराया जा रहा है। कोई काला लोटा कोई पीला लोटा, बम बम बम
कोई छोटा लोटा कोई बड़ा लोटा, सारे लोटे अंकल के सर पे बजा देगा कोई, अगर अंकल अपने घर की और ना लोटे तो अंकल को उसी जमीन पे लोटा लोटा के मारा जाए। बम बम बम, मैं भी लोटा तू भी। मुझे पता ही था अंकल आप तो लोटे हो, पर मुझे लोटा मत बोलो, मुझे लोटा वोटा नहीं बोलना, मैं घोटा दे देता हूँ। ये 20 साल में जी आएगा, फिर एक जी मेरी कवाली आएगी वो है लोटा वाला जो गाना है, क्या ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की? नहीं 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 नहीं, वैसे लोटे की लोटे का मैंने कहा मैं ही लोटा। अंकल भी हंस देते अपने गाने पे, अंकल को भी पता है कि कुछ आम नहीं लिख रहा हूँ मैं, उससे भी खराब लग रहा हूँ, सड़ा हुआ आम लिख रहा हूँ। पाओ 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 पाओ, बड़ा भी पाए छोटा भी पाए असी सब पावांगे। पाओ 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 पाओ, क्या है भाई इसको लोटा लोटा लोटा, पाओ पाओ पाओ, भूखा है भाई ये, इसके मुंह में कोई पाओ दो, ये पाओ वहाँ कैसे पहुंच गया है, वड़ा पाओ, ये वड़ा पाओ सुन के लिखा है इसने, मैं बता रहा हूँ, इसकी इंस्पिरेशन वही है वड़ा पाओ वाली। वो तो जेल चली गई, इसको जू भेजना पड़ेगा, ये जू के लायक, वहाँ पे जाके सांप की चीड़ पतंगे मिलेंगे ना उनसे, कि ना असी भी पाओ तुसी भी पाओ असी सब पावांगे। ऐसा लग रहा है पाकिस्तान के पास कोई जंगल था जहाँ ऑस्ट्रिच के पास एक सड़ा हुआ अंडा था जिसको उसने ऐसी लात मारी वो आके अंकल के बचपन में सर पे लग गया, जब से अंकल पगले हो चुके। वाह अंकल वाह, इस उम्र में इतनी एनर्जी, नाइस। व्हाट इफ अगर ये गाना एक्चुअल में अच्छा होता तो ऐसा साउंड करता? इन लोगों ने अच्छा गाया भाई, सुना मैंने, बहुत बढ़िया गाया। यार नाइस, ये तो काफी ज्यादा अच्छा, इतना तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते इतना अच्छा हो सकता है वो गाना। अंकल समझ जाओ अंकल ये गाना सुन के कि दिक्कत कहाँ आ रही है, असली जो कीड़ा है वो कहाँ गलत काट रहा है। भाई नोकिया के पिन से आईफोन कैसे चार्ज करेगा? मीम मीम सब छोड़ देता हूँ, मेरे सामने रील आती नहीं इस गाने पे, मैं गाने पे वाइब करता हूँ, ये होगा रील कितना भी फनी, गाना कितना बढ़िया है, गाना समझ भी नहीं आता तो। राजा जी लगाई दी पुलिया में हुक, राजा जी मैं जब इतना बड़ा था तो मेरे को तो रोड क्रॉस करना भी नहीं आता था दोस्तों, ये तो रोड ब्लॉक करने की दम रख रही है बच्ची। चोली की नहीं बच्ची, तुम अपने बैग के हुक लगाने की सोचो, बैग की वो जो क्लिप होती है ना वो लगाने की सोचो, और स्कूल जाने पे ध्यान दो। चोलिया के हुक राजा जी, ऐसे ही होता है दोस्तों, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं रहता। बाकी अभिषेक ने तो पहले ही बोला था कि जो वो एक्सपीरियंस कर चुका है वो तेरे को भी एक्सपीरियंस करना पड़ेगा एक दिन, और मेरे को तो उम्मीद नहीं थी यार कि ऐसा होगा, पर अभी आप कुछ कह नहीं सकते। अगर ये समर्थन ने भी कुछ गड़बड़ करी होगी इस वजह से उसके साथ उसने ब्रेकअप कर लिया होगा, तो क्योंकि शो में इतना सब चल चुका है तो वो वही बात करेगा, और एक तो समर्थ ये सब अभी इररिलेवेंट हो गए तो इनको रिलेवेंट रहने के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बाकी तो भगवान जाने कौन सही है कौन गलत, मैं बस इतना जानता हूं कि मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो वीडियो लाइक कर दो, फेवरेट पार्ट कमेंट करो, चैनल सब्सक्राइब करो ताकि हम मिल पाए अगली वीडियो में, नहीं तो कैसे मिलेंगे। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद। ये तो होता के बिछुआ के चूक राजा जी।